अमावस की रात में अचानक हुई उस चांदनी की रोशनी को देखकर जब वो गांव का आदमी चिल्लाते हुए भागा कि वो आ गई, तब मैं समझ ही नहीं सका था कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की कश्यप के साथ। बिना डरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। हमारी आज की कहानी के लेखक हैं ओम जी। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। कहते हैं कि अमावस की रात हर रोज की सामान्य रातों जैसी नहीं होती। कुछ तो ऐसा होता है अमावस की रात की हवाओं में जो सामान्य से परे और हमारी आपकी समझ के परे होता है। डॉक्टर रणदीप और उनके साथ के चार डॉक्टर्स की राजस्थान में चंबल नदी के बीहड़ों में बसे एक गांव में पोस्टिंग हुई थी, जहां उन्हें अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी थी। घूम फिर के कुछ इलाके ऐसे थे जहां सिर्फ एक ही छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल था और वो ज्यादातर डॉक्टर्स वहां रहना पसंद नहीं करते थे, ऐसा था। इसलिए इंटर्न्स ही ज्यादा रहते थे वहां पर। हॉस्पिटल की चौकीदारी करने वाला भवन सिंह आसपास के गांव में डॉक्टर्स को पहुंचाने में मदद करता था, लेकिन अमावस की रात को वो हॉस्पिटल से नहीं निकलता था या फिर अंदर चला जाता। एक दिन डॉक्टर रणदीप को किसी का फोन आता है और वो औरत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसके पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए आप जल्दी आइए। पेशेंट को गांव से हॉस्पिटल लाने की सुविधा न होने की वजह से डॉक्टर रणदीप खुद जाने का फैसला करते हैं और भंवर सिंह को साथ चलने के लिए कहते हैं। भंवर सिंह पहले तो मना कर देता है कि अमावस की रात को इस बीहड़ में घूमना ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर के दबाव की वजह से वो डॉक्टर रणदीप के साथ जाता है। कुछ आगे जाने पर कुछ अजीबोगरीब आवाजों से वो डर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि चलो सर, जल्दी चलो वरना दोनों मारे जाएंगे, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन डॉक्टर रणदीप ने उसे समझा बुझा कर अपने साथ ही रखा, क्योंकि उन्हें रास्ता पता नहीं था। आगे अचानक से चांदनी रात में जैसे रोशनी होती है वैसे ही रोशनी हो गई, तो भंवर सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो आ गई, और भागने लगा। डॉक्टर रणदीप ने उसे पकड़ कर कहा कि अभी अंधेरा था तब डर कर भाग रहे थे और अब इतना अच्छा उजाला होने पर भी भाग रहे हो भंवर सिंह, आखिर तुम्हारी तकलीफ क्या है। अभी डॉक्टर रणदीप का इतना कहना ही था कि तीन चार औरतें वहां आकर के खड़ी हो गई डॉक्टर के सामने और गांव की भाषा में उनसे कुछ कहने लगी, लेकिन डॉक्टर रणदीप को समझ नहीं आ रहा था। तो भंवर सिंह ने पूछने पर उनसे बताया कि उनके ही घर पर कोई बीमार है और जल्दी जाने को कह रही हैं। डॉक्टर और भंवर सिंह दोनों उनके साथ उनके गांव जाते हैं और पूरे रास्ते भंवर सिंह उनसे गांव की भाषा में कुछ पूछता, लेकिन उसे उसका जवाब ना मिलता। डॉक्टर रणदीप ने पेशेंट का इलाज किया और देखा कि करीब 8 से 9 घरों में इसी तकलीफ के पेशेंट हैं। सबको दवाई देकर के और कुछ को इंजेक्शन देकर के डॉक्टर रणदीप ने कहा कि अब इनकी तबीयत ठीक होने पर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। डॉक्टर रणदीप और भंवर सिंह जब जाने लगे तब वे औरतें जो पहले आई थी वापस उनके साथ आईं और जहां से उन्हें साथ लेकर के गई थी वहीं पहुंचकर भंवर सिंह को कुछ कहा और अचानक ही वहां से गायब हो गई और फिर से वहां अमावस का अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही भंवर सिंह ढेर की तरह वहां गिर पड़ा और डॉक्टर रणदीप ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। डॉक्टर ने भंवर सिंह को अपने कंधे पर टांग के जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उनका तुरंत इमरजेंसी में इलाज हुआ। दूसरे दिन शाम को जब भंवर सिंह बोलने के लायक हुआ तब उसने बताया
कि वो पूरा गांव भूतहा था, वहां कोई गांव बसता ही नहीं और वो औरतें पिशाचनी थी। लेकिन डॉक्टर की अपने काम के प्रति ईमानदारी देखकर उन्हें छोड़ दिया और इसीलिए मुझे भी छोड़ दिया। ये बात सुनकर डॉक्टर रणदीप को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इंक्वायरी करने पर पता चला कि वहां सच में कोई गांव है ही नहीं और किसी जमाने में हैजे की बीमारी में सारा गांव मर चुका था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।